देखिए, जैसा IMD का फोरकास्ट था उसी हिसाब से ही हिट किया है, उसी हिसाब से हम लोग का प्रिपेयरनेस भी था, और जो वल्नरेबल जो भी पीपल थे उनको सब हम इवैक्यूएट कर लिए थे, सबको सेफली शेल्टर सेंटर में रखे थे, खाना वाना दिए थे, वो कंफर्टेबली थे, और 110 to 120 गस्टिंग था, ज़्यादा कुछ नहीं डैमेज हुआ है, जितना रिपोर्टेड हुआ है कोई कैजुअल्टी नहीं है, कोई इंजरी नहीं है, कुछ पेड़ वेड़ तोड़ टूट गया है, कुछ दो तीन घर में भी पेड़ गिर के घर डैमेज हुआ है, वो सब हम देख रहे हैं, और बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी रेस्टोरेशन है, बाकी सब जो रेस्टोरेशन है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है, हम लोग का जो ओडरा फायर एंड NDRF टीम है हम लोग के पास, उनको भी मूव कर दिया गया है, जो मेजर रोड है सब जैसे जामुझारी धामरा रोड एंड अदर रोड वो सब क्लियर है, कुछ आर्टेरियल रोड में ऐसे पेड़ वेड़ कुछ डाला गया है उसको हम क्लियर कर रहे हैं। नहीं देखिए, यहाँ तो रेनफॉल बहुत ज़्यादा हुआ है, सबसे ज़्यादा रिपोर्टिंग तो चांदवाली में रेनफॉल हुआ है, तो कुछ लो लाइंग एरिया में अभी पानी वानी है, ऐसा कुछ डेंजर लेवल में कुछ ऐसा नहीं है, और कोई इंजरी और कोई कैजुअल्टी रिपोर्टेड नहीं है, वासुदेवपुर में भी नहीं है, चांदवाली में भी नहीं है, धामरा में भी है नहीं। हम लोग अभी भी अलर्ट जारी कर रहे हैं कि जब यहाँ रेड अलर्ट है भद्रक में, तो लोगों को हम मैसेज ऑलरेडी दे दिए हैं कि देखिए बारिश को थोड़ा देख के घर से निकलिएगा और थोड़ा सेफ रहिएगा, अभी तो जो एक्सपोज्ड जो वॉल सब हुआ है उसको थोड़ा प्रोटेक्ट करने के लिए, सो दैट वॉल ना गिरे, कुछ और इंजरी उंजरी ना हो, वो भी हम मैसेज दे दिए हैं। नहीं देखिए, जो सब हम सुरक्षित जगह में शेल्टर सेंटर में रखे थे वो लोग, अभी तो बारिश भी कम हुई है और हवा भी नहीं है ज़्यादा, तो वो लोग सब निकल के अपने अपने घर में जा रहे हैं, उनका जो गाय वाय है वो सब देख रहे हैं, उनका घर को सुरक्षित कर रहे हैं, उनके लिए कुक्ड फूड भी लंच में भी दिया जाएगा, सो वो लोग जाके अपना काम वाम करके आके फिर शेल्टर सेंटर में खा के फिर जाके अपना, अगर ज़रूरत पड़ी तो रात को भी खाना दिया जाएगा, कुक्ड फूड दिया जाएगा जी। मैसेज यही देना चाहिए, जैसा सरकार का जो भी गाइडलाइन है, प्रशासन का जो भी डायरेक्टिव है उसको थोड़ा मान के चलिए, ज़्यादा वेंचर सी में कोई ना करे, अभी सी अभी भी अशांत है, उतना ज़्यादा शांति नहीं है, तो जो नाव हो फिशरमैन वो लोग वेंचर ना करे सी में, और लोगों को भी एडवाइजरी दिया गया है कि बारिश में ज़्यादा ना निकले, अपना घर को सुरक्षित रखें, अपने बच्चे और बूढ़ों को और जो भी वल्नरेबल है उनको सुरक्षित रखें।